यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जारी कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने साथ भेदभाव करने की बात भी कही। अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। पहली बात तो उन्होंने आरोप क्या लगाया है उसकी विस्तृत जानकारी नहीं। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है, उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था। कहा कि मैंने सम्मान दिया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, सम्मान देने की हैसियत में नहीं है, और अगर देने लेने की बात आई तो 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे। मेरे आने के बाद समाजवादी पार्टी की विधायकों की संख्या 111 हो गई। समाजवादी पार्टी का जनाधार जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी नहीं था वो 2022 के चुनाव में उनको मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी हुई है, बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है, जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभैये नेता से चिल्ली बखाड़ने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था, अन्यथा अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के जनधार को बढ़ाने के प्रश्न में होते तो उन पर समय रहते अनुशासनहीनता का कार्रवाई करते। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी हमें दिए हैं कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा। मैं पद के पीछे नहीं भागता हूँ, मैंने सदैव वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ। वैचारिक टकराहट जब भी कभी मौका आता है तो मैं पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ। लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी लाचारी है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, जातवार जनगणना की लंबे अरसे से मांग चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जहाँ सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है और जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं लेकिन बीजेपी के पिच पर खेलने के आदी हैं, ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी का भला होने वाला नहीं है। अमृत विचार के लिए लखनऊ से अंकित यादव की रिपोर्ट।